तो पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है 5.3 के पार्ट थर्ड अपने देखेंगे, सॉरी पार्ट सेकंड है या पार्ट थर्ड आप देख लीजिए इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन अपना क्या है कि किसी समांतर श्रेणी में पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रम से 14 तथा 18 है। ठीक है, तो अपने को ए 2 दे रखा है जो कितना है 14 है, और ए 3 दे रखा है जो कितना है अपना 18 है, और अपने को कितना निकालना है एस 51 निकालना है। क्लियर है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे अपने। ए 2 की बात की तो ए 2 तो अपना कितना है ए प्लस डी इक्वल टू 14, और ए 3 कितना है अपना ए प्लस 2d इक्वल टू 18। क्लियर है कि यहाँ पे अपने को सेकंड टर्म दे रखा है और यहाँ पे अपने को थर्ड टर्म दे रखा है। क्लियर है, और एस 51 हमें यहाँ पे सिंपली इनको निकालना है। तो अपन देखें कैसे करेंगे कि एस एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर है, एन की वैल्यू है 51। अब देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे अगर दे रखा है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन तो अपने को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अप और डाउन साइड कर देना है। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गए, कितने बन गए d इक्वल टू 4। क्लियर है, डायरेक्टली d की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि 2d में से तो d चला गया तो d इक्वल टू यहाँ पे 4 आना ही था ऑफकोर्स। अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए d अगर 4 आया तो d की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना है 4, यहाँ पे 14 में पुट कर दिया, तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 कितने बनते हैं 10 बनते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, s 51 लेना है अपने को, n की वैल्यू है 51 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना आ गया अपना 10 आ गया, प्लस n की वैल्यू है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना बन गया अपना 4। अब देखिए कैसे करेंगे, 51 अपॉन 2 ये बन गए 20 प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 कितने बन गए अपने 200, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, सॉरी प्लस कर देंगे किससे 20 से, तो कितने आ जाएंगे 220 का डिवाइड किया 110 टाइम, और 51 को जैसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, वैसे देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1610 ये हमारे आंसर बन गए। नेक्स्ट देखिए अपना क्या क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट देखिए अपन, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज किसी समांतर श्रेणी का प्रथम में अंतिम पद 17 तथा 350 है, यदि सार्वान्तर 9 है तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी, उसका योग क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन एएपी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 17 and 350, इसका मींस क्या है कि कोई एपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म तो है 17 एंड लास्ट टर्म कितना है 350 है। नेक्स्ट देखिए, इसमें डी दिया है सार्वान्तर, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, तो तुम्हें निकालना क्या है पदों की संख्या, मतलब कितने इस एपी में यहाँ टर्म हैं और क्या निकालने हैं, इनको प्लस करने पे कितना आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देखिए कैसे निकालते हैं, ये है ए ए एन और डी, आपको पहले ए एन दिया है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन की वैल्यू कितनी है 350 है, ए कितना है 17 है, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है 9 है। अब देखिए कैसे करेंगे, 350 में से इधर 17 माइनस कर देंगे। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 9, देखिए करते हैं 17 माइनस कितना आता है, 10 में से ये गया 3 बच गए। ठीक है, 4 में से 1 गया कितना बच गया फिर से 3 सॉरी, और ये तो 3 आ ही गया था, और 9 है इसके नीचे लिख दो भाई 9। ठीक है, 9 का डिवाइड जैसे ही 333 में दोगे तो कितनी बार जाता है 9 3 27, बच गया अपने 6, कितनी बार गया 9 7 63 37 बार, माइनस का इधर प्लस का 1 आ गया तो कितने बच गए 38। समझ में आई आपको बात, इसको सॉल्व ही करना था, क्या दिया था, अगर ए एन दिया है तो हमने सिंपली इसको क्या कर दिया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d किया और आराम से इसको यहाँ पे सोल्व कर लिया, तो एन इक्वल टू कितना बन गया 38 बन गया। आप जन अगर बात करें हम एन इक्वल टू 38 बन गया, अब बात करते हैं बोला सम निकाल के बताओ, तो 38 है अपने को, ए का पता है भाई 17 आए हैं 17 है, डी का पता है 9 है, और एन का भी पता है भाई 38 टर्म है, बस अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, और ए एन का और पता है, तो अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमें पता है कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d होता है, और एक क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कि एन अपॉन टू अपन ए प्लस ए एन भी कर सकते हैं, ये भी तो फॉर्मूला था, तो यही कर दो ना, एन अपॉन टू मतलब कितने 38 अपॉन टू इंटू ए कितना है अपना 17 और ए एन कितना है 350, ऐसे ही कर दो इसको, 2 का डिवाइड 38 में कितने टाइम आता है 19 टाइम 38, ठीक है सही है,
इंटू ये बन गया 7, 6, 3। अब 19 को अगर 3, 6, 7 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 6, 9, 7, 3। ठीक है, ये आंसर मैंने पहले यहाँ पे निकाल के रखे इसलिए कि बार बार इसमें कैलकुलेशन में यहाँ डाउट ना रहे अपने को। तो सिंपल था बड़ा, ए एन हमने पहले निकाला, ए एन से क्या हुआ, ए एन निकाला हुआ था, ए एन से तो अपना एन आ गया, और जैसे एन आ गया उसके बाद में एस एन हमने निकाल लिया इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे अपने को। सेवंथ क्वेश्चन अपना देखिए क्या है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये लीजिए आपका क्वेश्चन है, बोला 1 से 1000 तक है भाई, नंबर है 1 to 1000, सो नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 कितने होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे तो चलती जाती है 1000 तक। ठीक है, नंबर बिटवीन 1 to 1000 डिविजिबल बाई 3, ओड नंबर, ओड नंबर देखते हैं, ओड नंबर बोला, बोला 1 से 1000 के बीच में जिनमें 3 का भाग जाता है वैसे ओड नंबर लीजिए, उनका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। तो देखिए 1 to 1000 है तो 1 के में तो डिवाइड 3 का जाता नहीं है, 2 में भी नहीं जाता, 3 में जाता है, 3 का डिवाइड कितनी बार जाता है, 1 टाइम, वो तो चलो जाता है। ठीक है कि 1, 2, 3 में से तो 3 में जाता है डिवाइड, 3 के बाद में किस में जाता है, 6 में, लेकिन 6 तो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए जिसके लास्ट में 0, 2, 3, 4, 6, 8 होता है वो क्या होता है अपना, इवन नंबर। 0 कभी इवन नंबर नहीं होता है, लास्ट की बात की है कि 50 के लास्ट में 0 है इसलिए क्या हो गया, ये इवन नंबर। 0 नहीं होता है, ना तो इवन होता है ना ओड होता है, 0, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं ये तो अपने इवन नंबर होते हैं, और ओड नंबर क्या होते हैं, जो जिनमें 2 का डिवाइड नहीं आता, तो 6 में 2 का डिवाइड आता है इसलिए 6 नहीं है भाई, 6 के बाद में क्या आता है 9, फिर क्या आता है 12, ओड नंबर सॉरी इवन नंबर, 12 के बाद में 15, ऐसे करके लास्ट में क्या आएगा, 999 नहीं बचेगा, मैंने बताया था ना आपको। या फिर ऐसे कर लो, 1000 में अगर 3 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा 9, 3 बार गया 9, 3 बार गया 9, 1। अब ये जो 1 बच जाता है तो लास्ट वाले नंबर में क्या करते हैं, कम लेना हो तो 1 माइनस कर देते, 9, 9, 9 बच जाएंगे। क्लियर है, तो आपको ऐसे इसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या किया, ये आ गए अपनी एपी, एपी तो बिल्कुल सही है भाई, एपी में अब देखते हैं क्या हुआ। एपी के अंदर ए देखा कितना है, पहला टर्म क्या है 3 है, डी की बात करें तो कितना होगा, 9 में से 3 को माइनस कर दो 6 होगा। क्लियर है, एन कितना है अपना वो नहीं पता, लेकिन ए एन का पता है कितना है, 999 है। क्लियर है, तो अपने को एन नहीं पता, तो एन पहले कहां से अपने को निकालना है, ऐसे ना एक्चुअल में ऐसा ही निकालना है कि सबको जोड़ के कितना आएगा, 3 को 9 को 15 को, लेकिन पहले एन तो पता होना चाहिए। तो ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 डी, भाई ए एन की वैल्यू कितनी है, 999 है, ए है अपना 3, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है अपना 6। क्लियर है, 3 को पहले इधर माइनस करोगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 को चलो माइनस कर दो, 996 ही बचेगा। क्लियर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस, ए प्लस में इधर माइनस में, 6 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और एन माइनस 1 का, एन माइनस 1 6 का डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो 6 बन जा 6 टाइम 3 9 6 6 जा 36 3 6 6 जा 36 माइनस 1 माइनस 1 इधर आ गया, कितना आ गया, प्लस का 1 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 167। अब n की वैल्यू आ गई, बस n की वैल्यू चाहिए थी, अब ऐसा निकालना अपने को, मतलब s 167 निकालना, तो n अपॉन 2 और a प्लस an का ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, n अपॉन 2 का भी लगा सकते हो, 2a प्लस n माइनस 1d वाला भी, लेकिन a प्लस an का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, यही तो होता है, एस एन इक्वल टू ए प्लस ए एन और एन अपॉन टू, तो एन अपॉन टू तो मैंने लिख दिया, ए प्लस ए एन का अपन फॉर्मूला लगा देंगे, तो 167 बटा 2 और ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए तो अपना है 3, ए एन अपना 999, तो 167 अपॉन 2 और ये बन गए 9, 3, 12, 1002, 2 का भाग इसमें गया कितनी बार जाता है, 5 बार, 01, 501, 167 को अगर 501 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 83665 83667 सॉरी। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही करना है, अगर ऐसा पूछ दिया गया हो और लास्ट का डिजिट दिया गया हो तो अपन को पहले ए एन से एन निकालना है, आफ्टर हम उसे सम निकालना है, अदरवाइज तो हम क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि जब तक एन का पता नहीं रहता है हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं निकाल पाते हैं। क्लियर है? तो आपको सिंपली सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ए एन में एन निकालना होगा, उसके बाद में क्या करना होगा, ऐसा निकाल के उसको आराम से सिंपली फाई करना होगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन देखिए क्या है एट्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट्थ, एक समांतर सेट में प्रथम पद 8 है, एनवा पद 33 है तथा पहला एन पदों का योग 123 है, सार्वांतर डी है। ठीक है, तो क्या निकालना है अपने को, एक समांतर सेट में प्रथम पद 8 है, एनवा पद 33 है तथा एन पदों का योग 123 है, तो एन तथा सार्वांतर डी को ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो दिया क्या क्या है, सारा कुछ लिख देते हैं पहले ही। देखो दिया क्या क्या है अपने को, सबसे पहले अपने को एट्थ क्वेश्चन में दिया है ए, तो दिया है 8। ठीक है, ए एन बोला है 33, एस एन की बात की 123। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, एन तथा डी निकालना है कि हमें एन की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालनी है। बोला देखो क्या है, बोला फर्स्ट टर्म बोला, बोला इन एपी फर्स्ट टर्म इज 8, nth टर्म इज 33 एंड सम ऑफ n टर्म इज 123, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d। क्लियर है? ये अपना इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन हो गया, वैसे मेरे हिंदी मीडियम की बुक है मेरे पास। तो आपको देखो सिंपली अपने को पास एस एन दिया है, तो एस एन और ए एन दोनों एक साथ किस फॉर्मूले में आते हैं, वो फॉर्मूला लगाओ, कौन से फॉर्मूले में आते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन होता है भाई। ठीक है, एस एन तो है 123, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए है अपना 8, ए एन अपना 33। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, 123 के पास 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। ठीक है, इक्वल एन इंटू, इसको इससे प्लस किया तो कितने आ गए, 41 आ गए। 41 को डाउन साइड लिया इधर, 123 इंटू 2, 41 डाउन साइड आ गए। क्लियर है ना? 41 का डिवाइड इसमें क्या, 3 टाइम, तो 3 टू जा कितने बनते हैं, 6। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर है? एन कितना आ गया अपना, 6 आ गया। एन की वैल्यू अगर 6 आ गई, हमें एन की वैल्यू तो मिल गई, कैसे किया, एस एन का हमें फॉर्मूला पता था, एस एन का हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और एन की वैल्यू हमें 6 मिल गई। ठीक है, अब हमें ए एन का भी फॉर्मूला पता, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना दिया इस बार, 33 दिया है, ए कितना है अपना, ए है अपना 8 और एन तो हमने निकाल ही लिया 6 है, 6 माइनस 1 और डी हमें निकालना है फिर, तो 33 इधर रख लो, 8 माइनस में भेज दो इधर, ये बन गए 5 इंटू डी, इसमें से 8 माइनस हुए तो कितने बचते हैं, 3 तो ये चले गए, 5 हो गए तो कितने बच गए, 25, 5 इसके डिवाइड में आ गया उधर वाला, 5 का डिवाइड इसमें गया कितने आ गए, 5। तो डी की वैल्यू तो कितनी आ गई अपनी, 5 और एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 6। तो यहाँ से आ गए, कैसे किया अपन ने, कि नॉर्मल जैसा क्वेश्चन था उसको बस वैसे ही रखा अपन ने, डायरेक्ट उसको एक शेप दे दी, कैसे देखिए, ए दिया था, ए एन दिया था, एस एन दिया था, और हमें निकालना था एन और डी। कैसे निकालना, हमने सबसे पहले एस एन यहाँ पे पुट किया और एस एन के क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन होता है, तो हमने कैसे किया इसको, ए हमें दे रखा था, ए एन हमारे पास है, ठीक है, एन हमें निकालना था, तो एन को हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ऐसे अगर एन आ गया तो हमने क्या है, ए एन का फॉर्मूला फिर रख दिया, पहले एस एन का रखा, अब की बार किसका रख दिया, ए एन का रख दिया, और जैसे ए एन का हमने फॉर्मूला रख दिया, अब की बार कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई, तो एन और डी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इसको आप दोबारा से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9th, देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, ₹280 की राशि 4 पुरस्कारों में लिखी गई, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि एक स्कूल में प्राइज चल रहा था, प्राइज बांट रहे थे लोग, मतलब प्रिंसिपल ही बांट रहे थे, उसके पास रुपए थे, उनके पास रुपए थे ₹280। ठीक है, रैंक थी अपनी कितनी, 4 रैंक थी, एक रैंक छोड़, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक। पहली रैंक वाले को जितने रुपए मिले उससे ₹20 कम सेकंड रैंक वाली को, उससे ₹20 कम थर्ड वाली को, उससे ₹20 फोर्थ वाले को, ऐसे उनको रुपए मिल रहे थे। क्लियर है? तो अब क्या बोला है, बोला क्या है कि प्राइस जो थी उनकी कितनी थी, सबको कितने कितने रुपए मिले। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो मैंने बोला था जब भी एपी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 4 प्राइस आ जाए, तो हमें सिंपली मानना क्या है उनको, सबसे पहले हमने मान लिया कि अपने लेट फर्स्ट प्राइस क्या है, फर्स्ट प्राइस है ए प्लस 3 डी, मान लो सेकेंड प्राइज को क्या मान लिया,
प्लस डी, थर्ड को ए माइनस डी, और फोर्थ को क्या मान लेना है ए माइनस थ्री डी। ये मैंने बताया हुआ है कि जब भी चार की बात आए हमें इनको सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है, ठीक है। अपन इसको और भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन अपने को यही रखना है, ऐसे बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इससे दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हार्ड बनेगा बट जो बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे वो बड़े आसान बनेंगे आपके, क्लियर है ना। वरना तो हम इसको ऐसे भी मान सकते थे, पहले वाले को लास्ट वाले को मान लीजिए ए मिला, इसको ए प्लस 20, ए प्लस 40, ए प्लस 60, फिर भी सोल्व कर सकते थे इसको, तो इजी बन जाता। लेकिन और क्वेश्चनों के लिए करना पड़ता है हमें कि और क्वेश्चन इससे थोड़ा ढंग से हो जाए, क्लियर है। तो आपको लेट इसको मानना पड़ेगा कि फोर टर्म है एपी में। तो अब देखिए करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, दो चीजें बोली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो ये बोली कि अगर चारों को जोड़ते हैं अपन भाई, सबको जो जितने पुरस्कार मिला है, जितनी प्राइज मिली है, तो 280 रुपए तो होंगे। पहली बात तो ये यहाँ से क्लियर होगी कि सबको जोड़ेंगे भाई 280 रुपए आएंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके पास है 280 रुपए, सब ले जाएगा, ये पहला प्राइज वाला, दूसरे प्राइज वाला, तीसरा और चौथी वाला, 280 रुपए होंगे सबको, क्योंकि उनको रुपए उतने दिए गए। दूसरी बात क्या बोली, बोला इनमें डिफरेंस कितने का है, 20 रुपीज का, कि बोला ए प्लस 3D के पैसों में से अगर ए प्लस डी घटाओगे तो 20 रुपए आएंगे। दोनों समझ में आई, दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या थी, पहला तो अगर सबको हम प्लस करेंगे तो 280 आएगा, दूसरा क्या बोला कि अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो मैंने वहां पे माइनस कर दिया, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि इनमें डिफरेंस भी 20 का है, इसको इसमें से माइनस करो तो भी 20, इसको इसमें से माइनस करो तो भी 20, जो आपकी इच्छा हो। देखिए डी यहां से कट जाता है इसलिए हम मानते हैं इनको, 4a बच गया, 4 इक्वल टू 280 बच गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 280 अपॉन 4, ये आ गया अपना 70। अब कई बच्चे सोचते हैं सर एक की वैल्यू 70 आ गई, इसका मतलब पहले वाले को 70 पुरस्कार मिला, बिकॉज ए को तो पहला ही टर्म बोलते हैं। तो ये बात नहीं है, पहला टर्म आपके पास ए प्लस 3D है, ए नहीं मान रखा है, वो तो उस एपी में होता है डी ए प्लस टू डी। यहाँ ए से फर्स्ट टर्म से फर्क नहीं पड़ेगा, अपन ने फर्स्ट टर्म ही ए प्लस 3D मान रखा है, तो फर्स्ट टर्म अपना ए नहीं है, ए तो 70 वैल्यू है। अब यहां से देखा, देखिए क्या है, चलिए माइनस करते हैं ए माइनस 3D से माइनस ए माइनस टी, बिकॉज बाहर माइनस का है, अंदर दोनों माइनस के, ए से ए कट गया, 3D में से गए 2D इक्वल टू 20, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 20 अपॉन 10 2, बस D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए करेंगे इसको सोल्व, ठीक है, यहाँ पे 20 था 2 था, अरे 2 कैसे आ गई, 2 है इसके अपॉन में 10 आएगी, ठीक है 10 आ गई। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट प्राइज की बात करते हैं, फर्स्ट प्राइस ए प्लस 3D है फर्स्ट प्राइस, मतलब ए तो है 70 प्लस 3 इंटू डी कितना है 10, तो 70 प्लस 30 कितने बनते हैं 100। कई बच्चे पहले प्लस कर देते हैं 73 को, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 730 हो जाते हैं, इतने तो रुपए ही नहीं थे, बोर्ड मास करो लगता है पहले मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। सेकेंड प्राइस की अगर बात करें तो सेकेंड प्राइस है ए प्लस डी, इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है 70 और डी का मतलब है 10, कितने बन गए 80, देख लीजिए, चाहे 100 आया फिर 80 आया, फिर कितना आएगा कंफर्म बता, थर्ड प्राइस 20 और कम कर दो 60 आएगा, फिर 20 और कम कर दो 40 आएगा, ये अपनी थर्ड प्राइस हो जाएगी, और ये कौन सी प्राइस हो जाएगी, फोर्थ प्राइस हो जाएगी, चाहे इनके अंदर वैल्यू रख के देख लो, देख लीजिए ए है 70 माइनस डी है 10, तो 70 में से 10 के कितने बचते हैं 60, देख लीजिए, और अगर ये करें तो ए मतलब 70 माइनस डी है 10, 10 को इससे मिलवाएगा 30, 70 में से 40 बच गए, ठीक है ना, देख लीजिए आप खुद इसके हिसाब से देख लीजिए कि ये ऐसे आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें अपन 10th क्वेश्चन की, तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा आसान था क्वेश्चन, आप लोगों को क्या मानना है, सिंपली a माइनस डी, सॉरी a प्लस 3D, a प्लस डी, a माइनस डी और a माइनस 3D। इसको वैसे भी कर सकते थे अपन इनके सब में गैप करके, कि a प्लस 20 होता है, दूसरा a प्लस 40 होता है, जो भी आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट देखिए आप 10th क्वेश्चन, जो आपकी 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन इज, एक टेलीविजन सेंटो का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा सातवें वर्ष 700 टीवी सेट करता है। इट मीन्स क्या बोला कि एक जो टीवी बनाने वाला है वो तीसरे साल मतलब थर्ड ईयर में तो 600 टीवी बनाता है और सेवन्थ ईयर में कितने टीवी बनाता है, एंड सेवन्थ में बनाता है 700, ठीक है। फिर देखिए क्या, ओके, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, कि डेली क्या होता है एक ही समान में एक साल में है ना, जैसे मान लीजिए इस साल 100 बनाए तो अगले साल मान लो 50 एक्स्ट्रा बनाता है तो 150, फिर अगले साल 150 तो हो ही गए थे 200, फिर अगले साल 250 बना देगा, ठीक है ना, 50 टीवी एक्स्ट्रा, इसका मतलब है। तो अब देखिए क्या बोला कि फर्स्ट ईयर में कितना उत्पादन हुआ,
पहला क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर, मतलब कि ए निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप वैसे नहीं सोचिए इसको एपी के जरिए, 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब ए 10 निकालना है भाई। और थर्ड टर्म क्या है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब एस 7 निकालना है। ऐसे बोलता है सातवें कितना हुआ, सातवें जो ईयर में कितना इसमें टीवी बने, तब तो अपना क्या होता ए 7। लेकिन अगले ने क्या बोला, कुल उत्पादन मतलब क्या टोटल हमें बताना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो एस 7 निकालना है। क्लियर है ना, कैसे किया अपन ने कि उसमें ए 7 की जगह एस 7 निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ए 7 की वैल्यू कितनी क्या है, ए प्लस 6D कितना दिया है 700, ए प्लस 2D कितना दिया है 600, माइनस 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 से कैंसिल, 4D इक्वल टू 100, तो D इक्वल टू 100 अपॉन 4 कितने बन गए 25। D की वैल्यू अगर 25 आ गई तो D की वैल्यू यहाँ रख दो भाई। तो देखिए A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 25, 600, 25 दूनी कितने बन गए 50, 600, तो A इक्वल टू कितने बन गए 600 माइनस 50, 550। ये लीजिए A की वैल्यू आ गई ना अपने पास और D की वैल्यू भी आ गई। तो फर्स्ट प्रथम वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर के लिए कितना बोला, तो पहले ईयर में 550 टीवी अगले ने बनाए। दूसरी बात करें 10 ईयर की बात करें, तो 10 को क्या बोलते हैं भाई ये बता दो, ए प्लस 9D बोलते हैं। अपने पास ए बी है 550 और डी बी है अपने पास 25। बस अब कर लेंगे 550 प्लस 25 नंबर कितने होते हैं आपके, ये होते हैं 225। 225 अगर प्लस कर दें तो कितने हो जाएंगे 775, ये इतने वर्ष में। एस 7 की बात करें तो एस 7 कैसे निकलेगा भाई, एन की वैल्यू 7 है, तो एस 7 कैसे निकलता है, 7/2 2a प्लस एन माइनस 1d, तो 7/2। ए की वैल्यू अपने पास 550 प्लस एन अपने पास 7 माइनस 1 और d कितना अपने पास 25। कर दें इसको सोल्व, अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4375। ठीक है, तो आपको बस टीवी सेट्स आगे लिख देना कि इतने टीवी सेट्स बनाएगा, टीवी सेट सब में लिखना है, टीवी सेट्स इतने में टीवी सेट, इसमें भी पहले ईयर में टीवी सेट्स। ठीक है, तो ये भाई कैसे किसी भी टाइप का होगा आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि भाई एपी का क्वेश्चन है या नहीं है। वैसे तो जैसे आप जैसे क्लास में इंटर हो जाओगे तो आपको ब्लूप्रिंट से बता दिया जाएगा कौन से नंबर पे एपी का क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर रोड सेफ्टी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अपने इसकी मिसलेनियस भी थोड़ा सा देखेंगे कि मिसलेनियस में क्या आएगा आगे, तो मिसलेनियस की मैं इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि मिसलेनियस जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। क्लियर है, ओके, धन्यवाद।